नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द लाइसेंस पर। मैं डॉक्टर फैयाज हुसैन स्वागत करता हूं। और आज राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से बड़ी खुशखबरी आई है। देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से बड़ी खुशखबरी आई है। और ये जो वीडियो है आज का ही है, हमारा 22/6/2023 का है, आज 22 तारीख है। और ये जो खुशखबरी है ये बता रहे हैं कि सहायक आचार्य मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है राजस्थान लोक सेवा आयोग ने। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया है और कह रहे हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा सेवा महाविद्यालय शाखा नियम 1986 के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए निम्नलिखित कुल 48 विषयों पर, कितना 48 विषयों पर 1913 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। कुल मिला के राजस्थान लोक सेवा आयोग ने, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की घोषणा कर दी है। आज का ही नोटिफिकेशन है ये। और 48 विषयों पर भर्ती होनी है। कुल पद हैं 1913 है। और जो 1913 पद हैं वो पद जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स में बांट कर दिए गए हैं। और ये जनरल है हमारा, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, एमबीएस है और ईडब्ल्यूएस है, ठीक है। तो उसके संदर्भ में पदों की संख्या क्या होगी सब्जेक्ट वाइज, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि बॉटनी में आपकी 70 कुल पोस्ट हैं और बाकी बच्चों आप जाके यहाँ देख लेना क्योंकि सब्जेक्ट बहुत है तो मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। बॉटनी में 70 आपकी कुल पोस्ट हैं, केमिस्ट्री में 81 है, मैथ में आपकी 53 है, फिजिक्स में 60 है, जूलॉजी में 64 है, ए बी एस टी में 86 है आपकी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 71 है, ई ए एफ एम में आपकी 70 पोस्ट है, जूलॉजी में आपकी 6 है, लॉ में आपकी 25 है, इकोनॉमिक्स में 103 पद आए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, इंग्लिश में 153 पद आए हैं बच्चों, कितने, और देखो जियोग्राफी में 150 पद आए हैं जिसमें से 40 पद आपके जनरल के हैं, हिंदी में 213 पद आए हैं, बेस्ट पद हैं ये, हिंदी में 213 पद जो हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। हिस्ट्री में 177 पद आए हैं, 177, सोशोलॉजी में 80 है, फिलोसफी में 11 है, पॉलिटिकल साइंस है बच्चों आपके 181 पद है, बहुत अच्छे पद हैं, जिसमें से 49-50 वैकेंसी जो है बेटा आपकी वो क्या है, वो जनरल के लिए रखी गई, 181 अच्छे पद माने जाते हैं और इस पर कंपटीशन हो सकता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 45 पद हैं, संस्कृत के लिए आपके 76 हैं, उर्दू के लिए 24 है, पंजाबी के लिए 1 है, लाइब्रेरी के लिए 1 है आपका, देखिए साइकोलॉजी के लिए 10 है, राजस्थानी के लिए 6 है, सिंधी के लिए 3 है, जेनोलॉजी के लिए 1 है आपका, ठीक है, प्रोडक्शन है इसके लिए 1 है, लिटरेरी साइंस के लिए 1 है, आर्ट हिस्ट्री के लिए 2 है और आपका म्यूजोलॉजी के लिए 2 है, ड्राइंग एंड पेंटिंग के लिए भी आपका जो है 35 है, म्यूजिक वोकल के लिए 12 है, म्यूजिक 4 है आपका, अप्लाइड आर्ट 5 है और आपका पेंटिंग के लिए 5 है, स्कल्पचर जो है 4 है, म्यूजिक टेबल 2 है, म्यूजिक वायलिन जो है वो आपका 2 है, एग्रीकल्चर जो है वो 2 है, एग्रीकल्चर एनिमल 2 है, एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी 3 है, एग्रीकल्चर बहुत सारे होते हैं उन पर एक एक तीन तीन वैकेंसी आई है और ऐसे कुल मिलाकर 48 वैकेंसी आई है। तो सबसे अच्छी जो वैकेंसी आई है बच्चों यहाँ पर, वो हमारी वैकेंसी जो आई है दोस्तों वो कहाँ आई है देख लो, यहाँ पर आई है इकोनॉमिक्स में, इंग्लिश में, ज्योग्राफी में, हिंदी में, हिस्ट्री में, सोशोलॉजी में, फिलोसफी में, पॉलिटिकल साइंस में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। तो इस पर जो है हमें तैयारी में लग जाना चाहिए। और देखो यहाँ पर फिर उन्होंने बताया हुआ है कि कैसे कैसे हमारा चीज़ें होंगी, इन्होंने इसका जो ऊपर शॉर्ट दिया रहता है उसको एक्सप्लेन किया है, तो ये सब आप पढ़ सकते हैं, इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, सभी लोग जानते हैं। और उन्होंने बताया है कि क्या क्या पद हैं, डिग्री के लिए क्या क्या रखा गया है, मास्टर डिग्री होना चाहिए 55 मार्क्स के साथ आपका, क्या मास्टर डिग्री होना चाहिए 55 मार्क्स के साथ, और आप जो है कि यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो या फिर आप उसका सेट क्वालिफाई हो, स्टेट गवर्नमेंट का या फिर पीएचडी है वो अलग बात है आपकी, 2011 के रेगुलेशन के अनुसार होनी चाहिए आपकी पीएचडी, ठीक है, ये सब बातें हमें पता होती हैं। और इसके अलावा आप देख लेते हैं हम कि हमारी शैक्षिक योग्यता क्या है, साक्षात्कार, ठीक है, हमें सब ये देने पड़ेंगे, कोई बात नहीं है। और ये हमारी जो आयु सीमा है वो 40 वर्ष से कम होनी चाहिए, 21 वर्ष और 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए आपकी आयु सीमा। और ये आयु सीमा की जो गिनती होगी हमारी बच्चों वो होगी 1/7/2023 से, मतलब कि 1 जुलाई 2023 को हमारी गिनती की जाएगी। अगर आप 1 जुलाई 2023 को 40 वर्ष से कम है तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम आवेदन कर सकते हैं। और छूट जो रहेगी वहाँ के रिजर्व वाले लोगों को रहेगी, जो राजस्थान के लोग हैं 5 वर्ष 5 वर्ष से उनको ये सब छूट रहने वाली है। तो जो राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग से और अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से जुड़े हुए हैं उन्हें 5 वर्ष की छूट मिलेगी बच्चों। सामान्य वर्ग की महिलाओं को भी 5 वर्ष की छूट मिल रही है। राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको 10 वर्ष की छूट मिल रही है। विधवा है, विच्छिन्न विवाह है, उसकी अधिकतम आयु सीमा कोई नहीं है, वो कभी तक भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो अदर स्टेट्स के बच्चे हैं अगर वो यहाँ जाकर कर रहे हैं
तो उनको जो है जनरल में माना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कि इसमें इन्होंने परीक्षा के बारे में बताया गया है। कह रहे हैं कि परीक्षा का माह स्थान क्या है, कह रहे हैं उक्त पदों पर, उक्त पद हेतु परीक्षा जो है अक्टूबर माह में, मतलब कि अक्टूबर 2023 में परीक्षा हो सकती है, अक्टूबर 2023 में परीक्षा हो सकती है। और कह रहे हैं परीक्षा की जो तिथि और स्थान होगा उसको जल्दी ही आपको बता दिया जाएगा, लेकिन टेंटेटिव रूप से इन्होंने जो है अक्टूबर माह 2023 को परीक्षा तिथि घोषित की है इन्होंने। ठीक है, और परीक्षा जो होगी वो ऑब्जेक्टिव होगी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से ली जाएगी। सभी प्रश्न जो है हमारे वो कैसे होंगे बच्चों, सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे। और आवेदन की तिथि हमारी जो रहेगी वो 26/6/2023 से 25/7/2023 तक रहेगी, रात्रि 12 बजे, मतलब कि 26 जुलाई 2023 से 25 सॉरी 26 जून 2023 से हम 25 जुलाई 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। लगभग एक महीना हमारे पास है, और जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर में इन्होंने टेंटेटिव आपको ये दे दिया है, तो अभी से अगर आप लग जाएंगे तो जुलाई अगस्त सितंबर आपके पास लगभग 3 महीने हैं परीक्षा के लिए। अगर मान लो एक आध महीने अगला आगे बढ़ता है और नवंबर में परीक्षा होती है, तो 3 से 4 महीने आपके पास तैयारी के लिए हैं। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी देर सवेर की तैयारी में तुरंत लग जाओ और तुरंत लग के तैयारी शुरू कर दो। फिर उन्होंने बताया है कि आपको आवेदन कैसे करना है, आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, तो ये जो है मैं इस अपने लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF दे दूंगा, इसकी लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम से। ठीक है, उतना मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ये आप लोग पढ़ सकते हैं जो भी बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म भर रहे हैं। और देखिए इसकी फीस जो रखी गई है सामान्य वर्ग के लिए इन्होंने 600 रुपये रखी है, और जो अति पिछड़ा वर्ग है वहाँ का जो रिजर्वेशन है उसके लिए 400 रुपये रखी गई है, और जो हैंडीकैप्ट है उनके लिए 400 रुपये फीस इन्होंने रखी हुई है। अब इन्होंने बताया है कि रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, कह रहे हैं स्कीम ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम ले रहे हैं उसकी स्कीम क्या होगी, द स्कीम ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन सेल कंसिस्ट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन होगा और इंटरव्यू होगा। आपका जो एग्जाम होगा उसमें एक तो आपकी लिखित परीक्षा होगी, दूसरा क्या होगा आपका साक्षात्कार होगा। तो इन्होंने रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर बता दिया है कि पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा और पेपर 3 होगा आपका। पेपर 1 में क्या होगा कि सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट 75 मार्क्स का होगा, 3 घंटे के लिए होगा। सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट 75 मार्क्स का होगा, 3 घंटे के लिए होगा। और पेपर 3 जो आपका रहेगा वो है जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की सामान्य ज्ञान के बारे में आपसे पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे और ये आपका 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, तो देख लो आपके पेपर होने हैं, सब्जेक्ट के 2 पेपर होने, मान लो पॉलिटिकल साइंस है तो पेपर 1 पेपर 2 होगा, और एक पेपर जो है वो सबके लिए कंपलसरी रहेगा, कंपलसरी रहेगा वो आपके राजस्थान का रहेगा। तो 75 मार्क्स ये, 75 मार्क्स 1, 150 ये, और 50 मार्क्स का ये, तो 200 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। और जब ये रिटर्न क्वालिफाई करेंगे आप, 200 मार्क्स में से जो भी आप लाएंगे उसमें से आपका इंटरव्यू जो है, द इंटरव्यू सेल कैरी 20-24 मार्क्स, इंटरव्यू आपका 24 मार्क्स का होगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, कैटेगरी के हिसाब से बनाया जाएगा। और बाकी आप आवेदन भर रहे हैं तो कैसे भर सकते हैं उसको बताया गया है यहाँ पर, इसको दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, सभी बच्चे जो हैं क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी में लग कर तैयारी कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन वैकेंसी आई है। जो महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने इस वीडियो में डिस्कस करी हैं, तो इस वैकेंसी में आप लोग लग जाओ, एक वैकेंसी को बिल्कुल तैयार हो जाओ। और जो लोग नेट क्वालिफाई हैं, JRF हैं, और जो लोगों ने MA 55% से किया है वो बिल्कुल फॉर्म भरिए। आप किसी भी स्टेट के रहें, राजस्थान के रहें तो अच्छी बात है, अगर राजस्थान के नहीं है तो जनरल आप जाके फाइट करिए। और राजस्थान में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है अदर स्टेट्स के स्टूडेंट के साथ। तो बच्चों ये हमने आपको नोटिफिकेशन बताया है, और मैं चूंकि द लाइसियम जो चैनल है ये पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी के लिए नेट JRF की क्लासेज आपको फ्री उपलब्ध कराता है, तो जल्दी ही हम पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस क्या है राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए उस पर बात करेंगे, और सोशियोलॉजी का क्या सिलेबस है राजस्थान लोक सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उसकी बात करेंगे। और अगर बच्चों की डिमांड रही तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए भी हम एक फ्री क्रैश कोर्स जो है चला देंगे, जिससे कि आपको सहायता मिलेगी। तो आप द लाइसियम के साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करिए। धन्यवाद।